एवरीवन, मैं डॉक्टर सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे आज के व्लॉग में। और आज का व्लॉग एक ट्रैवल व्लॉग है। हम लोग जा रहे हैं घूमने, मेरे कलीग, मेरे फ्रेंड्स जो कि डॉक्टर दीपिका और डॉक्टर निक्कू आए हुए हैं, और हम सब जा रहे हैं एक टूर पे। ये एक सरप्राइज़ है, ये मैं आगे आपको बताऊँगी कि क्या डेस्टिनेशन है, हम कहाँ पर जा रहे हैं। अभी हम दिखाते हैं कि हमने क्या क्या तैयारियाँ की हैं इसके लिए। हेलो डॉक्टर दीपिका। हेलो। हो गई रेडी? हमारे किचन की सारी पैकिंग है, ये सारा ग्रोसरी का आइटम है जो हम वहाँ पे बनाएंगे। ये सोनिया की फेवरेट चिंग्स चाउमिन हम बनाएंगे वहाँ पे, और बाकी ये थोड़ा बहुत स्नैक्स है जो हम वहाँ पे खाएंगे। अच्छा, हमने चावल वगैरह भी लिए हैं थोड़े बहुत, की अगर इमरजेंसी में हम कोई ऐसी जगह जाते हैं और हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम बना सकें इसको। ठीक है, ये सब सामान हमने चाय के लिए लिया है, और एक ये कुकर जिसमें हम नमकीन चावल बना। हाँ, और अब हम कर रहे हैं पैकिंग। बाकी की पैकिंग वैसे हो चुकी है, और ये हमारी पैकिंग यहाँ भी पूरी हो चुकी है लगभग। हेलो डॉक्टर निक्कू। हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया। मोहित। हेलो। लगभग हम पैक कर चुके हैं अपना सामान, और बस हम 5 मिनट में निकलते हैं, उसके बाद हम आगे आपको दिखाएंगे। तो 11 बजे हम निकले हैं, और लगभग 10 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में। डॉक्टर दीपिका। यस मैडम। क्या कर रहे हो? मैं सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। 11:48 हुए, अब 1.25 घंटा हुआ नहीं चले। एक्चुअली जो हमारे मोहित जी हैं, इन्हें नींद आने लग गई है, तो इन्हें हमें कुछ ना कुछ नींद आ रही है। मोहित थोड़ी थोड़ी आने लगी थी। Okay. और हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लेट हो जाएंगे, तो ये हमने फ्राइड राइस बनाया है, ये हम अभी नहीं खाएंगे। Okay. अभी हम शेजवान चटनी और मेयो के साथ ब्रेड सैंडविच बनाएंगे। ओके। हमारे कुक डॉक्टर साहब बन गया जी, रेडी है हमारे लिए खाना तैयार करने लग रही है। आपका प्लेन मेयो और ये हमारा मेयो विद शेजवान चटनी। ओके। यही है हमारी अन्नदाता और कोई नहीं है ना? ये अन्नदाता है। टाइम हो गया है 4:39 और हम पहुंचे नहीं हैं अभी तक। 136 किलोमीटर दिखा रहा है अभी हमारी जो डेस्टिनेशन है वहां तक, और 7:45 का टाइम दिखा रहा है। हम सो गए थे रास्ते में सब, खासकर दीपिका। दीपिका 12 बजे सोई थी। सो अब हम पहुंच गए हैं बिलासपुर। छोटा सा रेस्ट लेने के लिए रुके थे हम यहाँ पे, बहुत देर हो गई थी चलते चलते, मतलब हमारे ड्राइवर साहब को बहुत टाइम हो गया था, इसलिए हम 5 मिनट के लिए रुके यहाँ पे। अभी 137 किलोमीटर और बाकी है, इसलिए टाइम हो गया 6:15 और अब हम वहीं हैं जहाँ पहले थे 5:15 बजे। हम सो गए थे दोबारा से, ये लड़कों की नींद पूरी नहीं हो रही है हमारी, और हमने चाय की तैयारियाँ कर ली हैं। चाय पी के हम फिर अपना आगे का रास्ता कवर करेंगे। ठीक है मैम। पहाड़ों में भी चाय का अलग ही मजा है दीपिका, है ना? सही बात है। जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने जाओ तो हमेशा एक छोटा सिलेंडर लेके आओ। हाँ, ताकि आप हमारी तरह से गाड़ी रोको और कहीं पे भी चाय बना सको। यस, आपको वेट ना करना पड़े कि हम चाय कहाँ पिए, चाय कहाँ पिए, और आते जाते लोग सोचे पता नहीं कितना एंजॉय कर रहे हैं। मोहित गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय। चाय। देखिए कितने अच्छे रोड बने हुए हैं, ये मनाली वाला रोड है इस वजह से ये अच्छे हैं। वैसे पूरा रास्ता ही बढ़िया था, ऐसे कोई डिफिकल्टीज नहीं थी रोड पे, है ना मोहित? बिल्कुल। कोई हुई परेशानी ड्राइविंग में? कोई परेशानी नहीं थी, अच्छा रोड था, बिल्कुल नेशनल हाईवे था। हाँ, मुझे बहुत भारी परेशानी हुई। क्या परेशानी हुई? मुझे नींद का सामना करना। ये तो तेरी नॉर्मल है, बट ये देखिए कितना सुकून भरा नजारा है, कितना सुकून भरा। लो जी मंडी पहुंचने वाले हैं, 1 किलोमीटर बाकी है, पहुंड बांध, उसके बाद भी हमारा जो डेस्टिनेशन है वो बच जाएगी 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर हो रहा है। हाँ, लेकिन रास्ता बहुत मजेदार है, बिल्कुल इतनी ग्रीनरी है, इतना फ्रेश फील हो रहा है यहाँ पे आके,
क्यों डॉक्टर साहब? फ्रेश फील हो रहा है, आई एम फीलिंग स्लीपी। बिल्कुल बिल्कुल। ये आया है पंडो डैम। स्विट्जरलैंड तो नहीं पहुंचे हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं बस। ये देखिए लैंडस्लाइड कितनी हो रखी है यहाँ पे, और ये व्यास नदी है यहाँ पे, और ये काफी कौन सा एरिया था ये दीपिका? रिस्क जोन में था ये, है ना? लैंडस्लाइड काफी है, बारिश हुई है ना अभी 3-4 दिन लगातार, उसकी वजह से लैंडस्लाइड काफी हो रखी है यहाँ पे। अभी हम ये व्यास नदी के किनारे रुके थे, कब जा रहा है ये देखिए। नेचर का भी अपना एक अलग ही मजा आया। ये हम हमारी लोकेशन के पास पहुंच ही गए हैं लगभग, अभी भी है 20 किलोमीटर, लेकिन ये तीर्थन घाटी यहाँ से शुरू हो गई है और गजब का नेचर है आपको देखने को मिलेगा। मेरे जो नेक्स्ट व्लॉग है, हमारी लोकेशन भी और आगे के हमारे जो व्लॉग्स आएंगे वो भी, हमारा 4 दिन का टूर है। ये फाइनली हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे, और अभी हमारा जो हमने होटल बुक किया हुआ है वहाँ हम जा रहे हैं, और इसका लोकेशन का नाम हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मेरे व्लॉग को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।